सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत 46 इयर्स आईआईटी जेईपीवाईक्यू फ्रॉम 1978 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू दिए गए हैं इस बुक में। अभी आपका जेई मेंस 2024 सिर पर आ चुका है और अब ढूंढ रहे हो एक बढ़िया सा पीवाईक्यू बुक कि मेरा जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ढंग से प्रिपेयर हो जाए। तो आपके पास कुछ दो तीन ऑप्शंस होंगे, जैसे दिशा, अरिहंत, एमटीजी। तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर रहे होंगे कि किस केस में आपको किस बुक के साथ जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अरिहंत 46 इयर्स आईआईटी जेईपीवाईक्यू बुक में हमें क्या क्या चीजें मिल रही होंगी। तो सबसे पहले तो 1978 से 2023 तक के जितने भी जेई एडवांस और पहले AIEEE हुआ करता था उसके सारे के सारे पेपर्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी जेई मेंस पेपर हैं सभी के सभी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अगर थोड़े से और डिटेल में चलें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का सेपरेट बुक देखने को मिलेगा और हर बुक में पहले तो चैप्टर वाइज बांटा गया है, फिर उसके बाद हर चैप्टर को कुछ दो तीन चार टॉपिक्स में बांटा गया है ताकि अगर किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपका कोई टॉपिक पर्टिकुलरली वीक रह गया है और बाद में अगर उसे प्रैक्टिस करना हो तो सिर्फ आप टारगेट करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सको। तो अगर पूरा चैप्टर करना है तो चैप्टर वाइज भी बांट रखा है, पूरा टॉपिक एक अलग से करना है और टॉपिक वाइज भी बांट रखा है। इसी के साथ ही साथ अगर सॉल्यूशंस पे आए तो हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा और इस पे चार चांद लगाते हुए किन्हीं किन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस के एक अल्टरनेट सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। जैसे आप जेई मेंस में ढूंढते हो ना कि बोर्ड के तरीके से हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल में तो सॉल्व कर नहीं सकते, हमें कुछ शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स भी चाहिए, तो जिन क्वेश्चंस में भी पॉसिबल है उन क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन तो दे ही रखे हैं, उसके बाद उसके एक अल्टरनेट सॉल्यूशन क्विक शॉर्टकट ट्रिक वाला एक सॉल्यूशन दे रखा है। साथ ही साथ हर चैप्टर में आपको एक QR कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करके उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस लगा सकते हो कि पिछले कुछ सालों में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कब और कितने क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही साथ आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे किस स्ट्रैटेजी से पढ़े स्ट्रैटेजी वीडियोज भी दे रखे हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, आपको ट्रेंड एनालिसिस चाहिए, आपको चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जहां तक पॉसिबल है आपको ट्रिक के साथ शॉर्टकट के साथ सॉल्यूशन चाहिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं किन केसेस में आपको अरिहंत के साथ जाना चाहिए। बट ये बात करने से पहले हमें जानना पड़ेगा अरिहंत वर्सेस दिशा वर्सेस एमटीजी। तो अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से जानना हो तो अरिहंत में हमें थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दिशा और एमटीजी। अरिहंत में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस? जिन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस कम है, जो क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा क्या है कि वो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होंगे ताकि हम उन्हें अगर दोबारा एग्जाम में आए तो सॉल्व कर पाए। तो वही काम अरिहंत ने किया है कि जिन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस कम लग रहे हैं, पिछले कुछ सालों में बस एक दो बार पूछे गए हैं, उन्हें वो हटा देते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक दो क्वेश्चंस ही करके बहुत सारे टॉपिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चन मतलब क्विक रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको अरिहंत में देखने को मिलेंगे। बट इतने इनफ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पूरे चैप्टर का एक प्रैक्टिस हो जाएगा ढंग से। इतना नहीं है कि कम क्वेश्चंस है, उतना ही क्वेश्चन कर लीजिए बहुत होता है। बट अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, शुरू से ही क्वेश्चन कर रहे हो, आपको छोटा से बड़ा हर क्वेश्चन करना है, तो या तो आप दिशा नहीं तो एमटीजी के साथ जा सकते हो। अब यहां पर भी अगर दिशा की बात करें तो एमटीजी से थोड़ा सस्ता देखने को मिलेगा। तो अगर आप फर्दर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो, सस्ते में अगर एक बुक चाहिए तब दिशा के साथ जा सकते हो, वरना बजट है, बढ़िया क्वालिटी के पेजेस चाहिए, सब चीज थोड़ा सा दिशा से एक प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तब आप एमटीजी के साथ जा सकते हो। बट अगर दिशा और एमटीजी में देखें तो मोस्टली स्टूडेंट्स दिशा के साथ जा रहे होते हैं। और अरिहंत के साथ बात करें तो उसे स्टूडेंट सेंट्रिक रखकर बनाया गया है कि अगर स्टूडेंट के पास टाइम कम है, 4 महीने 5 महीने 3 महीने या फिर 2 महीने भी हैं, उन केसेज में भी 5-6 महीने भी हैं, तब लोग अरिहंत के साथ जा रहे होते हैं क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं और सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं करते रह जाना है, जो हमारे एरियाज वीक हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं। तो हमने समझ लिया अरिहंत किस केस में लेना है, दिशा किस केस में लेना है और एमटीजी किन केस में लेना है। तो अगर आपको ये बुक परचेस करना हो जेई मेंस 2024 के हिसाब से, दिशा, अरिहंत और एमटीजी तीनों का ही अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। अब मुझे एक छोटी सी बात जाननी है कि जेई मेंस 2024 की प्रिपरेशन में
क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा टाइम टू टाइम, एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जानने हैं, स्ट्रैटेजी जाननी है, मॉक टेस्ट में नंबर सही नहीं आ रहे, कितना मॉक टेस्ट लगाए, कितना क्या करे, कब कैसे क्या करे, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। कमेंट सेक्शन में जाइए और जेई 2024 या 2025 अगर जेई में से जुड़े हुए हो, जो भी डाउट है, चाहे आपको किसी बुक का रिव्यू ही चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, आपकी वीडियो आ जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।